बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद फ़य्याज़ हुसैन आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में बज़रिए याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल हाज़िर हुआ हूँ आपका खादिम। और आप जानते हैं नाज़रीन, इस वक्त मैं बालसट्टी खेत के रूबरू जो वाइट हाउस वाक़ है उसी में फिर से वैक्सीनेशन का अहतमाम ये दो तंजीमों की जानिब से किया गया है, एक हेल्पिंग हैंड्स और फैज़ आम ट्रस्ट की जानिब से। तो ये दूसरी मरतबा ये अहतमाम ये ट्रस्टों ने किया है। और आप बेहतर जानते हैं जिस शख्सियत से मैं आपका तारुफ कर रहा हूँ वो तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़ाकिर अहले बैत मौलाना शौकत अली मिर्ज़ा साहब क़िबला मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। मैं डॉक्टर साहब का क़िबला का हमारे याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। और नाज़रीन, मैं डॉक्टर साहब से दरियाफ़ करता हूँ कि गुज़िश्ता में कितने वैक्सीनेशन का अहतमाम किया था और कितने लोग आए थे और कुछ बाकी रह गए थे, तो इस वक्त कितने वैक्सीनेशन का अहतमाम हुआ है, इंतज़ाम किया गया है, इस सिलसिले में तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका एक ज़रिया बना है कि हमारी आवाज़ को आप मुसलसिल कौम तक लोगों तक पहुँचाते हैं। एक बहुत बड़ी फ़िक्र थी पुराने शहर के रहने वालों के लिए कि ये लोग कोरोना वायरस को एक कस्म का ऐब समझ रहे थे, तो ये फ़िक्र उनके जहनों से दूर करना ज़रूरी था। इसके लिए हमने उनके लिए न सिर्फ वैक्सीनेशन तो एक आखिरी हरबा रहा, उससे पहले मुसलसिल हमने हेल्पलाइन चालू की थी जिस पर डॉक्टर्स के साथ राबिता होता था, उनके लिए मुफ्त दवाएँ दी गई, उनके लिए ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स हमने मुहैया किए, और अगर खुदा न खास्ता मरीज़ की तबीयत वाकई ख़राब हो चुकी थी तो उनको हॉस्पिटल तक हमने पहुंचाया था। अब चूंकि वायरस बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुका है, ज़रूरत थी कि इसके लिए हम मज़ीद रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का इंतज़ाम करें। तो लास्ट वीक हमने 200 लोगों के लिए वैक्सीनेशन किया था, लेकिन आपके चैनल के ज़रिए जब ये खबर आम हुई तो काफ़ी लोगों ने हिम्मत दिलाई, दिलचस्पी दिखाई और मज़ीद उसका इंतज़ाम करने के लिए तकाजा था। तो आज फिर से एक मरतबा हेल्पिंग हैंड्स और फैज़ आम ट्रस्ट की तरफ से हम लोगों ने वैक्सीन का इंतज़ाम किया है। ये मेडिकवर हॉस्पिटल जो गचीबौली पर है उनके ताबुन से हम लोग आज फिर से 200 अशखास के लिए वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किए हैं। ये सिलसिला जारी है, इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश पर हम इसका नंबर और इजाफा कर सकते हैं। अब इस वक्त जो गुज़िश्ता में रजिस्ट्रेशन कितने आए थे क़िबला, और इस वक्त कितने रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं? हमने ऐलान किया था कि हमारे पास 200 वैक्सीन हैं, मगर काफ़ी लोगों ने रजिस्टर करवाया था और रजिस्टर करवाने के बाद भी काफ़ी लोग उसमें ड्रॉप आउट हुए, चूँकि हमने कोई तकाजा नहीं किया था। आप जैसे जानते हैं सारी खिदमत ये बग़ैर किसी कीमत के की जा रही हैं, हालांकि इसकी कीमत हमको अदा करनी पड़ती है। एक वैक्सीन तकरीबन 800 रुपए में हम लोग ख़रीदते हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन 300-350 से ज़्यादा हो गए थे। वो नंबर को देखते हुए हमने इस मरतबा फिर से 200 मज़ीद वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया है, और इस मरतबा भी 300 के करीब रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लोग तो काफ़ी जमा हैं। हमने यही ऐलान किया था कि जो पहले आएगा उसको वैक्सीन मिल जाएगा। 9 बजे से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह जब तक सिलसिला जारी रहेगा वैक्सीनेशन जब तक रहेगा, जब तक आप रहेंगे। गुज़िश्ता में जैसे 350 का लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो जो बाकी रह गए थे उनको पहले तरजीह दी जाएगी या फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने वालों को दी? कोशिश की, बाकी जो लास्ट टाइम नहीं आ पाए थे उनको कॉल किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या आप फिर से ये तारीख और ये वक्त पर आ सकते हैं। और उसके बाद जब मज़ीद लोग बच गए तो हमने दूसरों को कॉल करना शुरू किया और रजिस्ट्रेशन काउंटर हमने खोले थे। पिछले 3 दिन से ये रजिस्ट्रेशन जारी है, कल शाम तक शायद 300 क्रॉस कर गया था, हमने वहाँ रोक दिया क्योंकि हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया था। लेकिन अब ये आप जिस तरीके से लोगों को देख रहे हैं, मेरा अंदाज़ा ये हो रहा है कि जितने लोगों ने रजिस्टर करवाया था शायद सब के सब आज आए हैं। और एक बात क़िबला मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि ये जो दवाखाने के ज़रिए आपने अहतमाम किया तो उनको भी कुछ चार्जेस पे किए जाते हैं? ये टोटल कॉस्ट मिलाकर फिक्स जी अपर हेड ये प्राइस है जो इसके अंदर मेडिकल अमला आता है, जैसा स्टाफ आता है उनके लिए आपको सवारी का भी अहतमाम और खाने वगैरह का अहतमाम आपको करना पड़ता है? ये मतलब इखलाकी तौर पर हम सवारी भेजते हैं और इखलाकी तौर पर उनको
खाने पानी का, नाश्ते का इंतज़ाम करना पड़ता है। ये तो हम गिनते नहीं, शुमार नहीं करते। वो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने काफ़ी वक्त दिया है, काफ़ी। ये बहुत ही पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इस इलाके में किसी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल ने हमारे साथ कोलैबोरेट किया है, तो हम तो उनके शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से हम इतने सारे लोगों को वैक्सीन देने के मौके में आए हैं। नाश्ता पानी तो बहुत छोटी चीज़ है जी। बिल्कुल, ये आइंदा भी अगर इसमें कुछ लोग आ जाएं और बाकी रह जाएं, अगर किसी की और लोग आना चाहते हैं तो फिर आइंदा भी इसका एहतमाम किया जाएगा और वो तारीख का बाद में ऐलान करेंगे। इस पे भी आप थोड़ा सा नज़रसानी कीजिए। फैज़ साहब, बात वैक्सीन के दस्तियाब पर है कि हमको नहीं मालूम कि किस हद तक हमको वैक्सीन मिल सकती है। ये हमने मुसलसिल कोशिश अपनी जारी रखी है। पहली दफ़ा भी जो वैक्सीन दिया गया था, कम से कम 12-14 दिन की कोशिशों के बाद हमको 200 वैक्सीन मिले थे। फिर इस मरतबा जब हमने आवाम का रुझान देखा और अंदाज़ा हुआ कि लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो पिछले एक हफ्ते से हमने कोशिश की थी, तो 200 वैक्सीन हमको दस्तियाब हुए हैं। तो अभी जिस तरीके से आवाम की दिलचस्पी, उनकी तवज्जो का हम देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, तो हम फिर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर हमको वैक्सीन दस्तियाब हो जाती है तो हम मजीद इसमें इजाफा कर सकते हैं इंशाल्लाह। आइंदा तारीख ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन, मैं अर्ज़ कर दूँ, आपकी जहन में ये बात होगी, इससे पहले भी आप जानते हैं ये शख्सियत जो है डॉक्टर शौकत अली मिर्ज़ा, मेरे तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, मगर मुसलसिल आवाम के दरमियान और ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि ये भी तौफीक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद होती है। हर किसी को ये तमाम चीज़ों की सादत नसीब नहीं होती, मगर फिर भी हम दुआ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि अब जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, अब डॉक्टर साहब जैसे, कि जो शऊर बेदारी यहाँ हो रही है, इसकी वजह ये है कि तमाम सहूलतों के साथ ये तमाम एहतमाम हमारे हेल्पिंग आइंस और फैज़ेआम ट्रस्ट और बिलखसूस ज़ाकिर अल बैत शौकत अली मिर्ज़ा साहब क़िबला बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हुए ये तमाम काम को अंजाम दे रहे हैं, और इनकी ज़ेर निगरानी मुसलसिल सुबह से शाम तक ये करते हैं। आज की वक्त की बात नहीं है, मुसलसिल क़िबला मसरूफ़ रहते हैं। और उसके अलावा ये जो डोजेस दिए जा रहे हैं, वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, इसमें भी आप अतराफ़ व अकनाफ अपने जो अजीज़ व अकारीब ले चुके हैं उनसे भी आप दरियाफ़ करें, और मर्जाए अकराम जो हमारे हैं उन्होंने भी ये हिदायत दी है कि आप ये तमाम चीज़ों से फैज़याब हों, क्योंकि आप में, और ये आप गौर करें कि खुदा ना खास्ता, मैं आप नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, जो लोग ये वैक्सीनेशन के मुखालिफ़ हैं, इनसे मेरा मारूज़ा है कि मैं, ये हमारी या मेरी या यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल की, ये हमारी कोई ज़ाती राय नहीं है। जो लोग मुखल्लिदीन हैं जिस किसी उलमा के मर्जा के, वो उनके, उनसे आप राय लें, और क़िबला अतराफ़ व अकनाफ़ आपके उलमा हैं, ज़ाकिरीन हैं, जो हज़रात जानते हैं शरीयत और फ़िक़ा, उनसे आप राय लेकर इस पर अमल आवर हो जाएं, बेहतर है। क्योंकि ये हमारी यामशिया इस्लामिक टीवी चैनल और या खादिम की कोई ज़ाती राय नहीं है, हम सिर्फ खादिम हैं आप तमाम के, आप तक हम ये इत्तला पहुँचा सकते हैं। और मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैज़, मैं आपका और हाशिम का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपकी मुसलसिल तवज्जोहात की बिना पर हमारी आवाज़ तकरीबन हर प्रोग्राम की आपके ज़रिए से लोगों तक पहुँचती है। मैं उम्मीद है और हम दुआ करता हूँ कि आइंदा भी आपका हमारे साथ तआवुन रहेगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हमारे शहर हैदराबाद दक्कन के ज़ाकिर अल बैत सैयद खुर्शीद हसन साहब क़िबला मेरे साथ मौजूद हैं। मैं क़िबला से दरख्वास्त करता हूं कि आप अभी अभी वैक्सीनेशन लेके बाहर आए हैं, तो आपने किसकी हिदायत पर और आपको ये कैसा महसूस हो रहा है, ये तमाम तफसीलात से मैं नाज़रीन को आगाह कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। देखिए, मैंने इस्तखारा भी देखा है जी। और इस्तखारा अच्छा आया, नूर नला नूर आया, तो इसलिए मैं जो है ये लेने की जुरत किया। और ये कोविशील्ड है जो अप्रूव्ड है कई ट्रैवलिंग के लिए, लिहाजा बहुत अच्छा है। और ये इंतज़ाम माशाल्लाह हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से जो किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ़ है। तो ये मेरे साथ नाज़रीन इस वक्त फैज़ेआम ट्रस्ट के साथ ये काम हो रहा है, और हेल्पिंग हैंड और फैज़ेआम ट्रस्ट की मदद से हम तमाम नाज़रीन इससे मुस्तफ़िद हो रहे हैं। तो इसी के एक रुकन जो है सैयद हैदर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे तमाम तफसीलात से आपको आगाह करवाऊँगा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। देखिए, हम लोग एक ज़माने से तकरीबन 35-38 साल से मुसलसिल आवाम की खिदमत में, एक तरह समझिए आप, मुख्तलिफ़ चीज़ों में हमारा हिस्सा रहता है।
लॉकडाउन के बाद तो ख़ास तौर पर ऐसा हो गया कि कोई दिन हमारा बग़ैर खिदमत के गुजरता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से हम शौकत अली मिर्ज़ा साहब के भी साथ हैं, क्योंकि एक टीम के तौर पे काम करना अलग होता है, इंडिविजुअल काम करना अलग होता है, फ़र्क पड़ता है दोनों चीज़ में। अब देख वैक्सीन का जो प्रोग्राम शुरू करे अपने हेल्पिंग हैंड के साथ हम फैज़ आम ट्रस्ट वाले, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। हमसे जो कोशिश होती कर रहे हैं और जहाँ तक हो सकता करते रहेंगे। अब अनाज बांटने से लेके फ्लड रिलीफ से लेके दिल्ली राइट से लेके कश्मीर फ्लड से लेके जहाँ भी तो भी तकलीफ हुई, हैदराबाद का नाम पहले आता है और उसमें हम लोग साथ रहते हैं। और अक्सर हम जो है फैज़ आम और सियासत मिल्लत फंड ये दोनों मिलकर बहुत बड़ा काम करे। दिल्ली रायट्स में 1 करोड़ का जो है मदद पहुँचा उनके जो तबाहशुदा लोग थे उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल है हमारा रेट। ये समझिए आपके 1-2-4 इधर उधर लोग भटक कर निकल जाते हैं, जो पैसा मिल गया ले लिया और निकल गए, लेकिन ज़्यादातर लोग इस्टेब्लिश हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, माशाल्लाह माश कमा रहे, अपने घर को पाल रहे और अपने बच्चों का एजुकेशन दे रहे। और मेन हमारा काम जो है एजुकेशन का है, और एजुकेशन में यानी मैं क्या बोलूँ आपको, नर्सिंग से लेके आप डॉक्टरी से लेके आप फिजियोथेरेपी से लेके आप हिकमत से लेके आप डॉक्टरी से ले, कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें हम लोग काम नहीं किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है हमारा अल्लाह के फजल से अल्लाह के करम से हम लोग उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हैं। आपके ज़िम्मेदार हजरात का आप नाम लें कि सदर कौन है, इसके सेक्रेटरी कौन है, उनका नाम बताइए और आपका ऑफिस कहाँ है ये भी बताइए। जी हमारा ये शुरू हुआ इदारा फैज़ आम ट्रस्ट ज़ुल्फ़िकार अली साहब के जो इफ्तिखार हुसैन साहब के समदीवे थे औरंगाबाद में शुरू किए थे 38 साल पहले। उसको लेके इफ्तिखार भाई यहाँ आगे बढ़े हैं और इफ्तिखार भाई खास जो टीम है उसमें सिद्दीक साहब आर्किटेक्ट जो थे और आपके सियासत के बानी वो भी नहीं उनके वालिद साहब जाहिर साहब आबिद साहब वो थे, फिर अब ज़ियाद अली साहब है और ये हम लोग हैं दूसरे जो मुख्तलिफ लोग हैं ज़्यादातर ख़ानदान। अब इस वक्त यहाँ पे आपके सदर कौन हैं और सेक्रेटरी है, कुछ अहम अहदेदार जो ज़िम्मेदार हैं उनके नाम बताएं। हमारे सबसे अहम और की पॉइंट जिसको बोलना चाहिए वो इफ्तिखार हुसैन साहब है, और इफ्तिखार हुसैन साहब की कोशिशें हैं जो दिन रात सुबह से शाम तक उन्हें एक ही चीज़ में जुड़े रहते हैं कि हम किसकी खिदमत कैसा करें। यानी इंतहा यह है बाद वक्त हम सड़कों पर भीख मांगते हुए लोगों को भी इफ्तिखार भाई पकड़ के ला के उनको इस्टेब्लिश करें, और ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। ये ऑफिस कहाँ है आपका फैज़ आम ट्रस्ट? हमारा ऑफिस बशीरबाग पे है 5वें फ्लोर पे, फैज़ आम ट्रस्ट के नाम से ही है माशाल्लाह। आप और एक बात ये बताइए कि ये तमाम बिला मजहब व मिल्लत आप खिदमत कर रहे हैं? बिल्कुल बिला मजहब व मिल्लत। ये आपने जैसे कहा कि एजुकेशन में आप कौन सी जमात से कहाँ तक का जिक्र किया मगर आगाज़ का जिक्र नहीं किया। आगाज़ तो समझिए आप तकरीबन पहले दर्जे से लेके मैट्रिक तक कराते हैं, और मैट्रिक के बाद भी जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं ख़ासतौर चंद सालों से हम टिल ग्रेजुएशन उनका वो करते हैं, और बच्चे और अच्छे हैं उसमें तो हम उनको कई जगह हेल्प करे हैं, जो US जाते हैं कैनेडा जाते हैं बच्चे पढ़ने के बाद उनको भी हमारा जो है काफ़ी ताउन रहा है। नाज़रीन ये तमाम तफसीलात से मैं आगाह तमाम नाज़रीन को करवा रहा था। मैं इसी के साथ माजरत के साथ अर्ज़ कर दूं कि ये जो वैक्सीनेशन का अहतमाम किया गया है यहाँ पे खेत बालसट्टी के रूबरू दबीरपुरा वाइट हाउस में, ये बिला मजहब व मिल्लत यहाँ अहतमाम और खिदमत फैज़ आम ट्रस्ट हो या हेल्पिंग हैंड हो, इसमें कोई मजहब व मिल्लत की कैद नहीं होती, हमेशा ये आवाम की खिदमत करते हैं। और उसी के साथ मैं आप तमाम क़िबला खुर्शीद हसन साहब और हैदर अली साहब जो फैज़ आम ट्रस्ट के रुकन हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं नाज़रीन रुख्सत चाहते हुए आपसे जैसे मैं रुख्सत से कबल आपसे दुआ करता हूँ, दुआ की मैं गुजारिश करता हूँ, उसी तरह मैं खादिम फैया हुसैन आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में दस बस्ता मारूदा करता हूँ कि याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल के बानी हाशिम अली मिर्ज़ा डायरेक्टर सादत अली खान खादिम और वो हजरात जो हमसे एड्स और इश्तहारात के ज़रिए जुड़े हैं बिलखसूस उलमा खुतबा शोहरा मरसिया खानान तमाम मोमिन व मोमिनात कुर्रे अर्ज़ पे जहाँ जहाँ भी आबाद हैं उन तमाम के लिए आप दुआ फरमाएं। परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हम तमाम को आबाद व शाद रखे, हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के, बिलखसूस मोहम्मद व आले मोहम्मद बहक़ बीमार करबला बीमार मदीना बाबुल हवायद इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम और शहज़ादी मासूमा खुम सलवातुल्लाह अलैहा के सदक़े में इस तमाम वबाई अमराज का खात्मा फरमा, बिलखसूस इस करोना वायरस का खात्मा फरमा, इससे हम तमाम को महफूज फरमा, खुदा न खास्ता इसमें कोई अलील हुए तो जल्द से जल्द उन्हें शिफाए कामिला आजिल आता फरमा। इसी के साथ खादिम सैयद फैया हुसैन आप तमाम से रुख्सत चाहता है, खुदा हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह। नाज़रीन
देखिए आप, अभी हम ये कर रहे थे कि जैसे जो डोज से फारिग होते हैं, जो वैक्सीनेशन लेते हैं, उनसे भी हम आप तमाम का तारुफ करवा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मोहतरमा मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये कहाँ रहती हैं, इनकी क्या उम्र है और उन्होंने डोज लेने के लिए किसने रगबत दिलाई और तवज्जो क्या है, ये तमाम तफसीलात से मैं आगाह कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम, आपका याम शिया इस्लामिक टीवी चैनल में खैर मकदम है। फातिमा, मैं यहीं पर रहती हूँ, यावर मंजिल नूरखां बाज़ार में, और मेरे को ये वैक्सीनेशन से बहुत सहूलत हुई क्योंकि हमारे से बहुत ज़्यादा पैसे मांग कर ये इंजेक्शन के लिए यहाँ पर हमको ये असफ़ा की वजह से असफ़ा हेल्पिंग हैंड्स के वजह से हम लोगों को बहुत सहूलत हुई। यहाँ पर आके हमने इंजेक्शन ले लिया और उससे हमको बहुत सुकून के साथ हम लोग इस वक्त घर को जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी उम्र क्या होगी? उम्र मेरी 73 जी। ये नाज़रीन, मैं आपको तफसीलात से आगाह करवा रहा था इसी तरह, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन लेते हैं वो कैसे महसूस कर रहे हैं, ये तमाम तफसीलात से मैं आगाह करवा रहा था।